पापा पापा जल्दी आइए। अरे क्या हुआ खुशी, इतना जल्दी भी क्या है, क्यों बुला रही हो? अरे जानते हैं, बनारस वाली बुआ जी का फोन आया था, उनकी लड़की की शादी तय हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ पापा, पर एक प्रॉब्लम है। क्या खुशी? पापा पर एक प्रॉब्लम है, मम्मा के पास कोई न्यू साड़ी नहीं है। अच्छा, मम्मी को साड़ी क्यों चाहिए, शादी तो उनके यहाँ है। अरे जी क्या बात करते हैं, वहाँ पे मामा जी की बहुएं आएंगी, बुआ जी की बहुएं आएंगी, वो लोग क्या कहेंगी। मैं एक ही साड़ी बार बार पहन के नहीं जाऊंगी, मुझे न्यू साड़ी चाहिए चाहिए चाहिए, और इस बार मैं बिना न्यू साड़ी लिए नहीं जाऊंगी। बस। हाँ बोलिए बोलिए। हे भगवान, शादी किसी और की और खर्चा किसी और का। ऐसे क्यों कह रहे हैं जी, आप ही एक बार बताइए, अगर मैं रोज एक ही सब्जी आपको रोज बना के खिलाऊं तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा तो इसका क्या मतलब? मतलब ये है जी कि खाने में कभी गोभी की सब्जी, शाही पनीर, आलू मटर, रोज बदल बदल के खाने में मज़ा तो आता है, तो वैसे ही एक साड़ी पहन करके अच्छा नहीं लगेगा। इस बार मुझे नई साड़ी चाहिए, सुन लीजिए, तभी मैं जाऊंगी वरना जाऊंगी नहीं। पापा मम्मा के लिए न्यू साड़ी खरीद लीजिए, जब मम्मा न्यू साड़ी पहनेंगी तो कितनी प्यारी 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 लगेंगी। हाँ हाँ मम्मी की चमची, तुम तो बोलोगी। गुड मॉर्निंग जी, आज की सुबह देखिए कितनी शानदार है। आज पता है नाश्ते में क्या बन रहा है, आपके मन पसंद आलू के पराठे। वाह आलू के पराठे, मेरे मन पसंद आलू के पराठे, बनाओ बनाओ आलू के पराठे, मुझे बहुत पसंद है आलू के पराठे। तो मेरी बनारसी साड़ी डन है ना जी? ओहो फंस गया मैं तुम्हारे आलू के पराठे के चक्कर में। चलो जी तुम्हारा आलू का पराठा ना बड़ा बड़ा महंगा। बनारसी साड़ी, ओहो ये बनारसी साड़ी खरीदने के लिए मुझे बनारस जाना पड़ेगा, ठीक है मैं ला दूंगा। अच्छा एक काम करना, बना दो एकदम मक्खन मार के एकदम मस्त आलू के पराठे और तुम्हारी बनारसी साड़ी डन डना डन।